गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे राखी सेलिब्रेशन, है ना, राखी आ रही ना हमारी, तो हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। क्या बनाएंगे हम? राखी, राखी पे राखी बांधते हैं ना, तो आज हम राखी बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको फेविकोल चाहिए चिपकाने के लिए, ठीक है। हम नॉर्मल प्लेन धागे से, आपके घर में सबके घर में हो जाएगा मटेरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा सबके घर में होता है ना ऐसा धागा। हम ऐसे किसी भी कलर के धागे से ऐसा बनाए लेंगे। दो रील हमें चाहिए ऐसी, ठीक है। कुछ स्टार्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दो तीन तरह की राखी आपको सिखाऊंगी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कॉटन चाहिए, सबके घर में होती है कॉटन, तो पूजा करते हैं ना सब। एक पुराना टूथब्रश चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे धागे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप साटन रिबन या फिर आप ऊन का भी यूज कर सकते हैं। घर में पड़ी होती है ना ऊन, कुछ इस तरह का अगर डेकोरेटिव मटेरियल घर में पड़ा है तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। आपने ऐसे सर्कल काट लेने हैं, ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। करें हम स्टार्ट। आपने कोई भी धागा, कोई भी कलर का, आप दो अलग अलग रंग के ले लेने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, धागे को सिंपल अपनी फिंगर्स पर ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा करना है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। अभी आपने पूजा मैम वाली वीडियो देखी ना, जिसमें पूजा मैम ने बताया था कि हम राखी क्यों बनाते हैं। बताया ना पूजा मैम ने कि द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण के हाथ पर अपनी साड़ी में से काट कर टुकड़ा बांधा था फिंगर पर, तो उन्होंने कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को वचन दिया था कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगी, इसलिए हम राखी बनाते हैं। क्योंकि बहन की रक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? भाई पर होती है ना, तो हम इसलिए राखी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे लपेट लिया आपने, ठीक है, ऐसे लपेट लिया, थोड़ा मोटा ही लपेटना है, पतला नहीं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा धागा और काट लीजिए। फिर क्या करना है, इसको आपने इसको सेंटर में से बांधना है, ठीक है, सेंटर में इसको ऐसे रख के धागे के ऊपर, और आपने क्या करना है, इसको बीच में से बांधना है, बीचों बीच बांधना है इसको, ध्यान से बांधना, ठीक है। और जितना भी कटिंग का काम है तो आप कोशिश करना, आप अपने साथ किसी बड़े को बिठाना, दीदी हो बड़ी, चाची, मम्मी, कोई भी पापा बड़ा होना चाहिए कटिंग के काम के लिए, क्योंकि आप सीजर्स से चोट खा सकते हो ना, इसलिए, ठीक है। बांध दिया हमने इसको, फिर एक्स्ट्रा धागा हमने कट कर दिया। अब देखो ये बीच में ये जो है ना, जो हमने लपेटा था, इधर से भी इसको बीचों बीच कट कर देंगे। कटिंग का काम है इसमें थोड़ा सा, तो तभी क्या कह रही हूँ, किसी बड़े को बिठाना अपने साथ, ताकि वो आपकी कटिंग में हेल्प कर सके, अदरवाइज आप चोट भी खा सकते हो, ठीक है। कट कर दिया, अब आपने क्या करना है, इसको बीच में से ना, जहाँ से हमने नॉट बांध दिए, गांठ बांध दिए, उधर से पकड़ना है अच्छे से, और थोड़ा सा इसको ऐसे फैला लेना है, ताकि ये आपस में चिपके ना रहे, धागे जो लपेटे हमने ये चिपके ना रहे, ठीक है। रेशम का धागा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर बहुत अच्छे से सुंदर बन के आता है। अगर नहीं है आपके घर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नॉर्मल धागे से भी ये बना सकते हैं, ठीक है ना, कि घबराना नहीं है कि मैम ने कहा ये रेशम के धागे से बनाना है, ऐसा नहीं है, सिंपल धागे से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा होता है। ये सिर्फ एक बांधना है, वैसे तो भाई हमेशा बहन की मदद ही करते हैं ना, बस एक त्योहार है कि यहाँ पे बांधते हैं, तो हम भी बांधने के लिए बना लेते हैं थोड़ी सी एक राखी, है ना। अदरवाइज तो बहन भाई में हमेशा प्यार होता है, तो किसी धागे की जरूरत थोड़ी होती है, है ना, बहन भाई के प्यार को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती ना, हमेशा अपने अंदर से निकलता है बहन भाई का प्यार। देखो ऐसे करके बन गया, आपने ऐसे ही कोई और धागे से बना लेना है, ठीक है। ये वाला एक छोटा बनाना है, एक थोड़ा बड़ा बनाना है, इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। ब्रश से ना इसके बस ये होता है, जो आपस में चिपके होते हैं धागे, ये अंदर से खुल जाते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा से फैल जाता है, ठीक है। आपने ऐसे कर लिया, इनको मैं इक्वल काट लेती हूँ, ये जो छोटे बड़े हैं, ठीक है, ताकि अच्छा सा लुक आ जाए इनका। इसमें से भी मैं इक्वल कर देती हूँ इसको, हो गया ना इक्वल। अब क्या करना है, आपने इस बड़े वाले पे
फेविकोल लगाना है थोड़ा सा, और ये छोटे वाला जो है इसके ऊपर चिपका देना है। आधे बेटे इधर बैठो ना, बैठो, ठीक है। ये छोटे वाला इसके ऊपर चिपका देना है, ऐसे बो टाइप बन जाएगा। जैसे बो नहीं होती शादी में बॉयज डालते हैं गले में, बो टाई की तरह छोटी सी टाई होती है जिसको बो बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे चिपक जाएगा। अब क्या करना है, आपने कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, और फिर आपने इसको इसके ऊपर भी चिपका देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि धागा है, चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा बांध ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर चिपकने में टाइम लगेगा ना ये, तो हम इसको हल्का सा बांध लेते हैं। बन गया ना, अभी कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी छोटे से पेपर पे इसको चिपका लेना, ठीक है। चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए वेट करना है इसको चिपकने का, ओके। अब ये ऐसे इसको फैला लेना हल्का हल्का सा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप इसको किस पे बांधोगे, बांधने के लिए भी धागा चाहिए ना नीचे, आप नीचे कोई भी धागा ले सकते हैं, ऊन है तो आप ऊन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, नहीं तो आप नॉर्मल धागे से भी थोड़ा सा मोटा करके बना सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे किया, ठीक है, और हम एक और छोटा पीस ले लेते हैं, या फिर इसी के साथ हम, अभी तो चिपका नहीं है ना ये, इसको ऐसे करके इसका सेंटर में रख के इसको ये ऐसे चिपका देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चिपकने में टाइम लगेगा सूखने में, लेकिन ये बहुत सुंदर राखी बनेगी आपकी, होममेड राखी जिसको बोलेंगे आपका प्यार आपके भाई बहन के लिए, ठीक है। इसके बाद इस पर क्या करना है, आपने अगर ऐसा कोई डेकोरेटिव मटेरियल है तो आप डेकोरेटिव चिपका दीजिए, नहीं तो आप सिंपल भी रह दीजिए इसको, ठीक है। मेरे पास ये छोटा सा स्टार है तो मैं इसके ऊपर ये छोटा सा ये फ्लावर लगा देती हूँ, देखो है ना ब्यूटीफुल, है ना ब्यूटीफुल राखी। आपने सूखने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पेपर वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये कट कर देना है, ठीक है। हमारी एक तरह की राखी बन गई ना, कि देखो कितनी जल्दी बन गई, और वो भी किससे, सिंपल धागे से, ठीक है। अब एक दूसरी तरह की राखी हम ट्राई करते हैं, कॉटन होती है ना सबके घर में, आपने थोड़ी सी कॉटन लेनी है, उसको क्या करना है, कोई एक पेपर के ऊपर ऐसे रख के मम्मी से कट करवा लेना, मम्मा कट करके देगी, आराम से कट करके देखना, अदरवाइज आप चोट को भी लगवा सकते हैं, सीजर शार्प होती है ना, सीजर कैंची शार्प होती है, तेज होती है, उंगली कट जाती है, इसलिए ध्यान से मम्मा से कट करवा लेना, ओके। ऐसे देखो सर्कल कट गया कॉटन का। अब इसको क्या करना है, इसको इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, हम एक और धागा इसके अंदर डाल लेंगे बांधने के लिए। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, आपके पास ऊन है ऊन ले लीजिए, साटन रिबन है साटन रिबन ले लीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास घर में धागा है मोटा सा थोड़ा, आप वो ले सकते हैं। अब मैंने इसके बीच में ये लगा दिया ताकि ये निकल के भी ना जाए और बांधने के लिए भी हो जाए। इसके ऊपर मैंने कॉटन चिपका दी, ठीक है। अब इस कॉटन पे आपकी मर्जी, आपने क्या चिपकाना है, आपके पास स्टार है आप स्टार चिपका दो, मेरे पास स्टार है ना तो मैं इसके ऊपर ये स्टार चिपका दिया, और छोटी छोटी बिंदिया होती है ना कलरफुल मम्मी की, वो लगा दो, देखो कितनी जल्दी बन जाती है ना ये घर में राखी, और सुंदर भी लगती है ना। हमारी एक और ब्यूटीफुल से राखी तैयार हो गई, होगी ना कितनी जल्दी तैयार हो गई। ऐसा करते हैं स्टार हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यार इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम इसमें ब्लू वायर लगा देते हैं,
मुझे सबसे अच्छे लगता है। मुझे तो ये दोनों राखी पसंद आए। दोनों राखी पसंद आए आपको? भाई को पसंद आएगी? पत्नी पसंद आएगी। बन गया ना एक और ब्यूटीफुल राखी, दो राखी बन गई ना हमारी। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप राखी बना सकते हैं। ओके, सबसे बेस्ट होगी आपकी ये वाली राखी। आप नॉर्मल घर के धागे से बना रहे हैं, आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल धागा ही है, ठीक है ना। आप बनाइए, एक्टिविटी में पार्ट जरूर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।